मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया, जिसे राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट पर दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निमंत्रण पर 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में शहडोल पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्बोधन देंगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट पर इसकी जानकारी दी और कहा कि आज मेरी महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से बात हुई है। मैंने महामहिम राष्ट्रपति को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया। हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश का निमंत्रण महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी ने स्वीकार किया है। राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मध्य प्रदेश में प्रथम आगमन हमारे लिए गौरव का विषय है। राष्ट्रपति जी 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में शहडोल पधारेंगी। संपूर्ण मध्य प्रदेश राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का उद्बोधन सुनेगा। मध्य प्रदेश की धरती पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया का स्वागत है। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले जनजाति समुदाय से संबंधित द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले जनजाति समुदाय से संबंधित पहली व्यक्ति है। मुर्मू भारत की राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली दूसरी महिला है, साथ ही देश के सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।